नमस्कार, सुनना चाहते हैं मेरी कहानी? मैं सुनैना गुप्ता, एलेप्सिया की मरीज, और आज मैं विग लगाती हूँ। सबके लिए एक सामान्य बात हो सकती है, पर मेरे लिए हाँ सामान्य ही है आज, पर पहले बिल्कुल नहीं। माँ, मेरे बाल झड़ते ही जा रहे हैं, कितने दवाइयाँ खाऊं कोई असर नहीं। सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक होगा, धीरे धीरे करते बड़ी हो गई हूँ। यह क्या देखो, अब तो बिल्कुल खाली सा दिख रहा है। मेरी आंखें देखो, बरौनियाँ ही गायब है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सब क्या सोचते होंगे, बोलते कुछ नहीं, कैसे देखते हैं, शायद मुझे छूना भी ना चाहते हो। मैं तो छिपा भी नहीं पा रही, मैं से क्यों हूँ माँ, बोलो ना। ऐसा मत सोचो बेटा, क्या तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हें कमजोर बनाया? नहीं ना, तुम तो बास्केटबॉल भी खेलती थी, पढ़ाई लिखाई नृत्य संगीत में आगे हो। हाँ, कितना अच्छा लगता था माँ, पर धूप में पसीने के कारण और भी झड़ने लगे। नहीं खाऊंगी दवाइयाँ, नहीं लूंगी इंजेक्शन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही रहूंगी, बस तुम दोनों मेरे साथ रहो। देखा कितना सही कहा काउंसलर ने, जब तक तुम खुद को बीमार समझोगी कुछ नहीं हासिल होगा। चलो स्कूल न सही, नृत्य तो जरूर करोगी। हाँ माँ, गुरुजी भी मुझ में सिर्फ एक नृत्यांगना ही देखते हैं, और मैं पढ़ूंगी, दूसरे शहर में भी जाकर पढ़ूंगी। अब मेरा नृत्य ही मेरी इलाज करेगा, दवाइयाँ नहीं। मैं जैसी हूँ हूँ, मैंने खुद पर जीत हासिल कर ली है, मेरी चेतना जाग उठी है। हाँ, मैंने अपने अवसाद को पराजित किया है। बहुत खुश हूँ मैं, आज मेरा पहला शो है उम्मीद, कलर्स ऑफ होप। इसमें मैंने जीवन के कई मानसिक दशाओं को रंगों व ऋतुओं के माध्यम से दिखाई है, साथ ही दिखाई है एक आशा की किरण उन युवाओं को जो गंभीर अवसाद से जूझ रहे हैं। धन्यवाद।